शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से में इकॉन टपक पड़ा। अरे मैडम जी, ये भोला राम जी हैं। ये हमारी चंपा भाई है ना, उनके रिश्तेदार। वो कहा है ना कि चंपा भाई की अब उम्र हो गई, अब उनसे काम नहीं होता, इसीलिए हाथ बटाने आए। वैसे भी मैडम जी, कल के बाद आपके आदमियों पे भरोसा थोड़ा कम हो गया है। पर इके हाथ में जो थाल है वो में का है? खेलने आए हो? यही मिर्ची से हमारे पेट जलाओगे? ओ मैडम जी, एक कुमकुम है पूजा के लिए। तो इसे नहलाओगे हमका? इतना सारा काहे लाए हो? मालकिन, कहा है ना कि पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए भोला राम पूरा दबा के ही ले आए। तो इनका पैसा भी भोला राम की पगार से ही कटेगा। जय भवानी मैडम। जय भवानी मैडम जी, अब पूजा का समय हो गया है, अब हवन शुरू करते हैं। आप भी अपने स्थान पे बैठ जाइए। प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। मैडम जी, ये लीजिए, आहुति डालिए। मैडम जी, ओम कुबेराय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। मालकिन, वो हवन कुंड के इतने पास बच्ची को रखी है, गला भर जाएगा। देखिए कितनी खांसी हो रही है, दीजिए ना बच्ची को, हम संभाल लेते हैं। दीजिए। स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। We'll be right back.
मैंने अपनी बच्ची से वादा किया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं उसे उसके घर वापस लेकर जाऊंगी। आज एक माँ अपना प्रण पूरा करेगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम तीनों ने मिलकर जो मिर्ची मारी है ना उस पर, हाय मजा आ गया। जिंदगी भर अब ये स्वाद नहीं छूटेगा उससे। श्रद्धा, आज फिर तुमने अपनी कसम पूरी की। इस परिवार के सबसे अहम सदस्य को बचा के हमारी पोती को घर वापस लाके हमारे परिवार पर जो काले बादल छाए हुए थे वो अब हट गए। अब हम जश्न मनाएंगे और सबको मिठाई खिलाएंगे। जश्न मना लो तुम लोग, हम मौत का बादल लेके जल्दी आ रहे हैं तुम्हारे द्वार। कल हम अपनी सिया को माता रानी के मंदिर ले जाएंगे। अरे इसकी हाथों से चढ़ावा अर्पण करेंगे, प्रसाद भी बटवाएंगे और हाँ सबको काम में हाथ बटाना होगा। हाँ लीजिए तनुजा भाभी, अरे आपकी सेवा में हम हमेशा हाजिर हैं। आप सिर्फ बताइए क्या करना है, सब हो जाएगा। ए हमें भी तो दीजिए, हमारी सिया हमारे परिवार में वापस आ गई, हमारा परिवार पूरा हो गया। अब हम सब साथ मिलकर खाना खाने बैठेंगे आज रात। देखिए तो ताई जी, खाने का नाम सुन के कितना खुश हो रही है। थोड़ा सा खा लीजिए मैडम जी। खाने की बजाय कोई जहर खिलाओ हमें। जब तक उन त्रिपाठियों की अर्थियां नहीं उठवाएंगे, एक निवाला नहीं कटकेंगे। ए, गाड़ी निकाल। मैडम जी, अभी आपका फिलहाल घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। ओ इंस्पेक्टर वाह, हमको ऑर्डर दे रहा है? नहीं मैडम जी, ऑर्डर नहीं, सलाह दे रहे हैं। जनता भड़की हुई है, त्रिपाठियों ने आपका वीडियो सबको दिखा दिया है कि उनकी बच्ची को बंदी आपने बना के रखा था। ये देखिए मैडम जी, उन्हें हमसे कहा था कि बच्ची के साथ हमारा हर काम सोना हो जाएगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, सब कुछ खाक में मिल रहा है। हमारी आंखों में धूल झोंक कर चले गए। उसी के सामने भाई ने और श्रद्धा ने मिलकर उसी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और उसे पता भी नहीं चला। अब पता चलेगा उसे जब हम सारे सबूत लेकर पुलिस को दे देंगे। नहीं अब है, बहुत हो चुका है। हमारी बच्ची अब हमें वापस मिल गई है,
इस बात को हम आगे और नहीं बढ़ाएंगे। हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे अभय। हाँ भाई, श्रद्धा बिल्कुल ठीक कह रही, और वैसे भी अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे अपना सबक अपने आप मिल जाएगा। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैडम जी, बात बहुत बिगड़ गई है, ऊपर से दबाव पड़ेगा मैडम जी। ए, मंत्री को फोन लगाओ। जय भवानी पीए साहब, गुलाबो मंत्री जी से बात करवाइए। क्या समय नहीं है उनके पास हमारे से बात करने के लिए भी? फिर तुम लोग वही बात लेके बैठ गए। अरे हमें अपनी सिया को तोहफा भी तो देना है, हम अभी लेके आते हैं। ये रहा हमारी सिया के लिए। वाह जी वाह चाची जी, बिजली बिल देने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं थे, ये सोने के चेन कहाँ से लेकर आ गई आप? कीर्ति, अरे भाभी रहने दीजिए, आज ना कोई भी ताने हमारे दिल को नहीं लगने वाला। और वैसे कीर्ति, ये सोने की चेन ना हम उसी सोने के सिक्के को बेच के अपने पोती के लिए लाए हैं जो तुम हमसे छीन ली थी, और तुम्हारे पति ने हमें बहुत इज्जत के साथ लौटा दिया था। और कुछ? तनुजा भाभी छोड़िए ना ये बात, आप हमें ये बताइए कि सानवी के लिए क्या तोहफा लेकर आई है? अरे हमने बोल दिया ना, हम सिर्फ अपनी सिया के लिए तोहफा लाए हैं बस। तनुजा भाभी, कभी कभी ना हमें समझ में ही नहीं आता कि बच्ची ये है या आप, आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तो ये क्या कर रही हैं आप, माँ जी की चेन उसे दे रही हैं? अरे बुआ जी, क्या आप क्यों? हाँ बुआ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तुम दोनों हमसे भी बड़े हो गए हो जो हमें टोकने लगे हो। बेटा, तोहफा जरूरत से नहीं, प्यार से दिया जाता है। अब हमारी दोनों बच्चियों पर मुसीबत का साया कभी नहीं पड़ेगा। काले साए की तरह उनपे पड़ जाएगी गुलाबो, अगर हमारा धंधा रुका तो ये नुकसान की भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी। सारे महंगे तोहफे सिया और सानवी के लिए, और हमारी कियारा के लिए कुछ भी नहीं। और आप सबको याद दिला दे, वरुण जी ने अपनी जान पे खेल के बच्ची की रक्षा की है, वो किसी को नहीं दिख रहा। अरे मेरी स्वीटू, अगर तुम मेरे बारे में इतना सोचोगी ना तो मुझे पूरे दिन हिचकी आती रहेंगी। आप ही हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं। वैसे सही मायने में कहें तो असली हिम्मत वरुण जी ने दिखाई है सिया को बचाने में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वरुण जी का शुक्रिया कैसे अदा करूं। क्यों किया तूने ऐसा? भाई यार माफ कर दे मुझे, मैंने क्या कुछ नहीं कहा तुझे। तो सिया बताओ, तुम्हारे पापा को माफ कर दिया जाए या पिट्टी की जाए? चलो ठीक है, माफ किया। और अब ना तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, तभी ताऊ जी आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आएंगे, है ना? आप सिर्फ शुभ शुभ और मीठा ही सोचना है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बस बस बेटा बस,
हमारी फूल सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी जान पर खेलकर अपनी बच्ची की जान बचा ले गई। हमारी सिया और सानवी की किस्मत की लकीरें एक साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही जुड़ी रहेंगी। देखो ना, 2 महीने की दावत होने से पहले ही हमारी सिया वापस मिल गई। बेटा, हम एक छोटा सा उपहार लाए थे दोनों के लिए। और ये है मन्नत के धागे, ये हमारी दोनों बच्चों की रक्षा करेगा। माता रानी हर बुरी नजर से बचाए दोनों को। भाई साहब, आपने सिया के खातिर चारों धाम की यात्रा की। सच, आपकी मन्नतों से ही सिया घर वापस आई है। ये तो सजा हो गई हमारी कियारा के लिए। उसे भी उठाकर लेके जाते वो लोग तो आज उसे भी महंगे गिफ्ट मिल रहे होते ना। कीर्ति, इतने शुभ मौके पे कुछ भी बकवास मत करो। हम तो सिर्फ माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि उस औरत की बुरी नजर हमारे किसी भी बच्चे पे ना पड़े। बुरी खबर है मैडम जी, हमारे आदमी गुप्ता से वसूली करने गए थे पर वो कह रहा है आपके डर से भी पैसे नहीं निकालेगा। मैडम जी, मेरी मानत दूसरे प्रदेश निकल जाइए, क्योंकि इस बार पकड़े गए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे मैडम जी। पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब उन त्रिपाठियों पे आग उगले गई है। गुलाबो, हमारे सारे आदमी जो इन्होंने भगाए थे उनको अभी के अभी बुलाओ, सबको। श्रद्धा, तुम सानवी को बाहर जाके सुला दोगे? नहीं तो सिया भी जाग जाएगी इसके रोने से। जरूरत नहीं है अभय, इन दोनों को एक दूसरे की आदत होनी चाहिए। देखिए, 2 मिनट में शांत हो जाएगी। नहीं, तुम इसे बाहर ले जाओ ना प्लीज। अभय, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बच्चे हैं, रोएंगे ही, और हमारी तो 2-2 बच्चियां हैं। देखिए कैसे शांत हो गई। अबे, ये सब तो चलता ही रहेगा ना। अब मैं ऐसा नहीं चाहता। अबे, ये हम दोनों का ही फैसला था ना कि सिया और सानवी एक ही पालने में सोएंगे, तो फिर आप अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरी सिया पता नहीं कब से नहीं सोई। हमारी याद में पता नहीं इसका क्या हाल हुआ होगा। अब मैं इसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन अब है, सिया बेटा, अब पापा हैं आपके साथ, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो। अच्छा हुआ श्रद्धा तुम थोड़ी देर से निकले, वरना सबको तुम्हारी आंखें देख के पता चल जाता कि तुम रात को ढंग से सोई नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है वरुण जी। क्यों झूठ बोल रही हो?
सारी रात तो ये रोती रही, तुम सोई कब? अबे बच्चे हो जाने के बाद ना ऐसे ही होता है, नींद का हिसाब किताब पूरा बिगड़ जाता है। हाँ, मुझसे बेहतर ये कौन समझ सकता है। वैसे वरुण जी, कीर्ति कहाँ है? अरे श्रद्धा, तुम्हारी बहन को शॉपिंग से फुर्सत का है, सोनिया को लेके गई है मॉल में, वहीं से सीधा आएगी। इसे अचानक से क्या हो गया? चल देखते। इसको क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जहां तक मुझे पता है यहाँ पे आसपास हमें कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, क्या करें? क्या बात है भाई, मदद कर दे। छोटी सी तो दिक्कत थी भाई जी, गाड़ी चलाते और इतना नहीं जानते। अबे हमने भी ऐसी गुलाबों की गाड़ी खराब की थी ना, फिर दोबारा ऐसी चीज हमारी गाड़ी के साथ कैसे हुई? आपको कितना परेशान क्यों लग रहे हैं? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन? पर क्यों? क्योंकि अब गुलाबों को लेके कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। कीर्ति दिखाई नहीं दे रही, सोनिया और कीर्ति कहाँ रह गए? कितना वक्त हो गया, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। कहाँ रह गई है तू? कितना वक्त हो गया है, यहाँ पर पूजा शुरू होने वाली है। हम नहीं आ सकते दीदू, आप लोग जल्दी वापस आ जाइए। अगर ठीक, अब आप अपने हाथों से चढ़ावा दीजिए। हे भगवान, गुलाबो वापस आ गई है। हमने जो कुछ भी किया वो पैतरा वो हमारे ही ऊपर दिखाकर हमें डरा रही है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।